श्रीनाथ जी टेम्पल उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर नाथद्वार में स्थित है। अगर आप उदयपुर से श्रीनाथ जी टेम्पल बाय रोड जा रहे हैं तो आपको 1 घंटे का समय लगेगा बाय कार। भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति को सन 1665 में वृंदावन के पास गोवर्धन से राजस्थान लाया गया था। श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण के बाल अवतार हैं। इस श्रीनाथ जी मंदिर की बहुत सारी चमत्कारी कहानियां हैं। माना जाता है कि यहां पर दर्शन करने आने वालों की सभी इच्छाएं श्रीनाथ जी भगवान पूरी करते हैं, इसलिए पूरा साल यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर भगवान के श्रृंगार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की मूर्ति को हर दिन नए पोशाक वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस मंदिर में जन्माष्टमी, होली और दिवाली के उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये श्रीनाथ जी के टेम्पल का रास्ता है। गाड़ी आपको बाहर तक छोड़ेगी, उसके बाद आपको यहाँ से चलकर जाना है। 15 से 20 मिनट का वॉक है मंदिर तक पहुँचने के लिए। यहाँ पूरे रास्ते में आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको लड्डू गोपाल जी की मूर्तियाँ, वस्त्र, प्रसाद, मंदिर के सजावट के सामान और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन के टाइमिंग्स रहते हैं, तो मंदिर में जाने से पहले आप इसकी इंक्वायरी कर लें। टाइमिंग्स की जानकारी आपको नेट पर अवेलेबल हो जाएगी। मंदिर के बाहर बोर्ड पर डेली दर्शन का समय लिखा जाता है। इस मंदिर में पूरे दिन का अनुष्ठान आयोजित किया जाता है, जहां दिन का पहला दर्शन शुरू होता है मंगला आरती से। इसके बाद कुछ समय के लिए मंदिर के द्वार दर्शन के लिए बंद किए जाते हैं और द्वार खुलते हैं श्रृंगार की प्रतिक्रिया से, जिसमें मूर्ति को सजाया जाता है। तीसरा चरण ग्वाल है भगवान के मध्य भोजन का समय। चौथा चरण है भगवान के भोजन का समय राजभोग। उत्थापन यानी दोपहर का विश्राम का समय है भगवान जी का। भोग भगवान जी के भोजन का समय है। फिर है समय शाम की संध्या आरती का। इसके बाद शयन भगवान जी के आराम का समय है। इन सभी टाइमिंग्स में थोड़ा बहुत चेंज किया जाता रहता है। इस तरह से आप मंदिर के पूरे दिन के आयोजित अनुष्ठानों का आनंद ले सकते हैं और भगवान श्रीनाथ जी के भव्य दर्शन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मंदिर के अंदर का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मोबाइल वहां पर अलाउड नहीं है। यहां बाहर मोबाइल स्टैंड में आपको अपना मोबाइल जमा करवाना पड़ता है दर्शन के पहले। इसके बाद हम दर्शन के लिए गए स्टैच्यू ऑफ बिलीव यानी विश्वास स्वरूपम, जहां शिव भगवान की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ बिलीव श्रीनाथ जी टेम्पल से लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। स्टैच्यू ऑफ बिलीव का डिटेल वीडियो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी उदयपुर ट्रैवल जर्नी के सभी 10 ब्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उदयपुर ट्रैवल ब्लॉग्स के मेरे सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।